राष्ट्रसंत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नागपुर के संचालक डॉक्टर सुभ्राजी दासगुप्ता और उनकी टीम द्वारा कैंसर मरीजों की विशेष देखभाल की जा रही है। इस अस्पताल में सरकार और चिकित्सा निकाय द्वारा अनुशासित कामकाज किया जा रहा है। इस अस्पताल के सह संचालक डॉक्टर बी के शर्मा ने जानकारी दी। पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने जकड़ा हुआ है। इस साल की शुरुआत में चीन से शुरू हुआ था और धीरे धीरे लगातार 200 से अधिक देशों को अपने जाल में फंसा चुका है, जिससे भारत कोई अपवाद नहीं है। 2 लाख से अधिक मौतें भी हुई है और कई लाखों लोग प्रभावित हैं। जीवन बाधित है और कमाई का जरिया खो रहा है। एक आपदा जिसे दुनिया ने बीते 100 से भी अधिक वर्षों में नहीं देखा है। तथाकथित दुनिया के उन्नत सभी देशों में हेल्थ केयर सिस्टम कमजोर और बुरी तरह प्रभावित हुई है। बेहतर तकनीक, आधुनिक प्रणाली और नवीनतम प्रोटोकॉल के लंबे दावे बिखर गए। चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं है जो बाकी से बेहतर है। बिना किसी अपवाद के हर देश एक चमत्कार और प्रार्थना की उम्मीद के साथ हर दिन लड़ाई से जूझ रहा है। महामारी पहले भी हुई है, लेकिन इस परिणाम और गति के साथ कभी नहीं। रातों रात जीवन तबाह हो रहा है और अर्थव्यवस्था भी बिखर गई है। घाव इस तरह बन रहे हैं कि जिन्हें ठीक होने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। संपार्श्विक क्षति के परिणाम स्वरूप बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में से एक और कोविड रोगी है, जैसे कि कैंसर के रोगी, हृदय रोगी, किडनी की समस्याएं और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। महामारी से लड़ने और नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से सरकारी अस्पताल और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान हैं। छोटे और मध्यम आकार के निजी चिकित्सा सुविधाओं ने वस्तुतः सहायक कर्मचारियों के डर और अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया है। घटनाओं की इस उथल पुथल में नागपुर के राष्ट्रसंत तुकड़ोजी कैंसर अस्पताल कई कैंसर रोगियों के लिए एक रक्षक की तरह खड़ा है, जिन्हें काफी ध्यान और उपचार की आवश्यकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह से अभी एक महामारी चल रही है, उसी तरह से कैंसर भी एक महामारी है। कैंसर जैसा कि एक शब्द से एक इंसान घबरा जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है कि वाकई में क्या मैं बच पाऊँगा। जैसे कि आज कोरोना के मरीजों का भी वैसा हाल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है हमारी सेवाएं, आज इस स्थिति में भी आज एक दिन भी हम बता रहे हैं आपको कि 22 मार्च के बाद से लेकर आज एक दिन भी हमने हमारे अस्पताल को बंद नहीं किया है। हाँ, सुविधाएं जो हम दे रहे हैं उसमें जो मरीज हमें ऑपरेशन के लिए लगते हैं, हम ऑपरेशन का सोचते हैं कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसका हम थोड़ा प्रॉपर वे से उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उसको ऑपरेशन के लिए हम लेते हैं। लेकिन क्योंकि आज के इस स्थिति में, इस महामारी में, हम उसकी पूरी जब उसकी पूरी सब टेस्ट हो जाती है, तभी उसी पेशेंट को कैंसर के लिए ले जाता है। ऐसे कैंसर के 3 प्रकार के ट्रीटमेंट हैं। एक है शल्य क्रिया यानी सर्जरी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसे हम जैसे एक नॉर्मल भाषा में लाइट कहते हैं कि लाइट से सिकाई से, और तीसरा होता है एक ड्रग थेरेपी, जिसको कि हम कीमोथेरेपी बोल रहे हैं। यकीन मानिए कि आज 100 तक के मरीजों का हम बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक, यानी जिसको कह के कोई ऐसी ब्रेक नहीं है, हम उसका इलाज रोज कर रहे हैं। जिनकी सिकाई यहाँ हो रही है, जिनको कि हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, यकीन मानिए कि कम से कम 35 से 40 पेशेंट लोगों का रोज कीमोथेरेपी हम लोग दे रहे हैं। तो राष्ट्रसंत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल आज आज की समस्या के साथ साथ हम उन मरीजों की भी सेवा कर रहे हैं जो हमारे कैंसर से पीड़ित हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे मरीज जो कि हमारे विदर्भ के पेरिफेरल पार्ट से आते हैं, यानी कि जो आते हैं भंडारा से, गोंदिया से, कुछ सेवाएं ऐसी दी गई है हमारे धर्मशाला में, हम उन्हें रखते हैं और कुछ हम पास भी देते हैं। तो जहाँ तक सवाल ये है कि जो मरीज जिसको कि हम ड्रग थेरेपी यानी कीमोथेरेपी और जैसे कि रेडियोथेरेपी, उनका तो इलाज पूरे अच्छी तरह से चल रहा है,
लेकिन जो नए मरीज आ रहे हैं उस नए मरीज में कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिसका कि हम सर्च चलने के लिए हमें करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारी रिकॉर्ड यह है कि आज की इस समस्या को पूरा करने के लिए पहले उसकी पूरी जांच करने के बाद में और वाकई में अगर इमरजेंसी है तो फिर हमको शल्यक्रिया भी करनी पड़ती है। इसलिए यूँ कहिए कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के मरीज रोज़ यहाँ पर या उनका हम इलाज कर रहे हैं, कैंसर यानी शल्य चिकित्सा वाले जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए हम थोड़ा सा यानी उसकी पूरी तरह से जांच करने के बाद ही हम उसका इलाज करते हैं। ये वही राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी कैंसर रीजनल अस्पताल है जहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, चाहे कीमोथेरेपी हो या कैंसर से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, जिसका निदान इसी अस्पताल में डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम है जो अक्सर करती रहती है। लॉकडाउन के चलते जहाँ कुछ प्राइवेट ऐसे जो अस्पताल है जो बंद है, ऐसे में राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल ये पूरी तरह से शुरू है और यहाँ के संचालक और यहाँ के डॉक्टर बीके शर्मा द्वारा उन लोगों को काफ़ी अच्छा मरीजों को सहयोग दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग भी काफ़ी खुश है और ऐसे मरीजों को एक मानवता के दृष्टिकोण से जो कामकाज जो हो रहा है इस अस्पताल प्रबंधन की ओर से, वो सबसे काफ़ी अच्छा काम इस अस्पताल की ओर से हो रहा है। नागपुर के इस रीजनल कैंसर अस्पताल से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।